दोस्तों आज हमने Zomato में फुल डे काम किया और फुल डे के अंदर आज हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको समझा सके वीडियो के माध्यम से कि Zomato में फर्स्ट टाइम यानी पहले दिन आपको काम कैसे करना है, ऑर्डर कैसे पिक करना है और कस्टमर के पास जाकर आपको ऑर्डर कैसे डिलीवर करना है, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है जब आप ऑर्डर पिक करते हो और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी होती है और कस्टमर से जो आपको कैश मिलता है उस कैश को आपको करना क्या होता है। तो एवरीथिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसका रिप्लाई हम आपको इंस्टेंट देंगे। तो चलिए आज के वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको Zomato डिलीवरी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में, और सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर यानी लॉगिन आईडी आपको यहां पर एंटर करनी है। यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आपकी लॉगिन आईडी होती है। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, देन उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सबसे पहले ये करने के बाद आपको यहाँ पर स्टे ऑफलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आपको Zomato में काम करने के लिए सबसे पहले गिग पे क्लिक करके आपको उसी दिन के गिग बुक करने हैं जिस दिन आप काम करना चाहते हो। जैसे कि आज आप काम करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको डेट वाइज क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर स्लॉट बने हैं कि आप किस टाइम काम करना चाहते हो, जब भी आप फ्री हो Zomato में आप काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये स्लॉट अपने टाइम के अनुसार आपको बुक करने हैं और उस टाइम आपको जाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा बुक का, ये आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपको क्लिक करने के बाद नीचे आपको बुक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपने जितने भी स्लॉट यहाँ पर बुक किए हैं टाइम के अनुसार, तो वो स्लॉट आपके बुक हो जाएंगे जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये आपके स्लॉट बुक हो गए हैं जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे ओके पे क्लिक करना है और ये टाइम के अनुसार आपके गिग यहाँ पर आ चुके हैं। आप चाहो इसे यहाँ पर आप काट भी सकते हो, यानी आपको गिग में आपको उस टाइम आना नहीं पड़ेगा। उसके बाद नीचे आपको एस्टिमेट अर्निंग दिखाता है कि जितने घंटे आप काम करोगे तो आप इतना पैसा कमा सकते हो। उसके बाद देखिए आपको अपनी लोकेशन में जाना है, ये सब काम आपको करना है। उसके बाद जो भी लोकेशन आपको दी गई है आपको अपने Zomato बैग, Zomato टी शर्ट और अपनी बाइक उठाकर आपको चले जाना है अपनी लोकेशन में। चाहे आपकी साइकिल की आईडी है तो आपको साइकिल पर जाना है, अगर आपकी बाइक की आईडी है, स्कूटी की आईडी है, जो भी आपने व्हीकल अटैच किया है Zomato में ज्वाइनिंग के दौरान, तो वो लेकर आपको चले जाना है अपनी लोकेशन में। उसके बाद करना क्या होगा, अब हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन में जैसे आप देख रहे हैं। और उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में Zomato डिलीवरी एप्लीकेशन को ओपन करना है इस तरह से। यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन है, Zomato डिलीवरी एप्लीकेशन को ओपन करना है। देन उसके बाद क्या करना है, आपको लॉगिन वगैरह कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑफलाइन लिखा आएगा तो आपको गो ऑनलाइन पे क्लिक करना है, यानी कि आपको अपने टाइम के अनुसार 15 मिनट पहले आपको अपनी लोकेशन में पहुँच जाना है जिस भी टाइम का आपका गिग ओपन हो जाते हैं। उसके बाद गो ऑनलाइन पे क्लिक करना है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं अब ऑनलाइन हो चुका हूँ। देन उसके बाद क्या करना है, अब आपको देखिए ऑर्डर का वेट करना है किसी भी होटल के पास जो कि Zomato से टैप है, वहाँ पर आपको खड़े हो जाना है। थोड़ी देर में आपके पास ऑर्डर आ जाएगा जैसे मेरे पास आएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास न्यू ऑर्डर आ चुका है जैसे आप देख रहे हैं। इस ऑर्डर का मुझे 27 रुपये मिलेगा और इस तरह का यहाँ पर इंफॉर्मेशन आया हुआ है। तो इस ऑर्डर का मुझे यहाँ पर देखिए 27 रुपये मिलेगा और कितने किलोमीटर पर ये ऑर्डर पिक करना है, उसके बाद कितने किलोमीटर पर डिलीवर करना है, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। और किस रेस्टोरेंट से ऑर्डर मैंने ये उठाना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस एप्लीकेशन में दी जाएगी। उसके बाद आपको एक्सेप्ट ऑर्डर आपको स्लाइड करना है 60 सेकंड के अंदर यानी एक मिनट के अंदर। अब देखिए यहाँ पर शॉप का नाम आ चुका है और यहाँ पर आप उसकी इमेज भी देख सकते हो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर आप नए हो तो उसकी आप रेस्टोरेंट की पहचान कर सकते हो कि देखने में कैसा रेस्टोरेंट है जो आपके पास ऑर्डर आया है। 3 से 4 इमेज है तो आप यहाँ पर बड़े आराम से देख सकते हो। अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट के पास जो कि Zomato से टैप है और वहाँ से हम ऑर्डर को उठाएंगे। तो यहाँ पर ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। बैक पे क्लिक करता हूँ और अब चलते हैं होटल वाले के पास
और अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं कॉल का, वो मैप का, तो आप मैप की हेल्प से भी होटल वाले के पास या फिर रेस्टोरेंट के पास जा सकते हो अगर आप नई लोकेशन में हो, अगर आपको नहीं पता। तो ये होटल मेरे आसपास ही है और मुझे इस होटल का पता है, वो नीचे आप देख ही सकते हैं, मैं इसके आसपास ही हूँ, 30 मीटर दूरी पर है। उसके बाद हम चले होटल वाले के पास जहाँ से हमने ऑर्डर को पिक करना है। तो पहले ही यहाँ पर ऑर्डर रेडी हैं, ये आप देख ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर यहाँ से उठा लेना है, आपको ऑर्डर आईडी बताकर कि ये मेरा ऑर्डर है। उसके बाद ऑर्डर यहाँ से आपको ले लेना है। उससे पहले आपको क्या करना है, जब आप वहाँ पर होटल के पास पहुँच जाते हो तो सबसे पहले आपको रीच पिकअप स्लाइड आपको करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा, यानी कि आपको ऑर्डर पिक करना है, आपने ऑर्डर तो ले लिया है, ये भी आपको काम करना है। और उसके बाद आपने ऑर्डर ले लिया है, अब आपको जाना है कस्टमर के पास। उससे पहले जो भी आपने ऑर्डर लिया है आपको अपने जोमैटो बैग में इसे रखना है, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अपना ऑर्डर, तो ऐसे ही आपको काम करना है। तो आपको केयरफुली यहाँ पर रखना है ताकि वो ऑर्डर खिने ना, बिल्कुल सेफ रहे, और अपनी बैग की चैन को बंद कर लेना है। अब चलते हैं कस्टमर के पास। अब देखिए यहाँ पर हमने मैप पे क्लिक किया, अगर आप लोकेशन में नए हैं तो आप मैप की हेल्प से कस्टमर की लोकेशन पर जा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैप को ओपन किया, और ये लगभग मुझसे 5 मिनट का रास्ता है, 2 किलोमीटर का रास्ता है, और हम चल दिए आपके सामने कस्टमर के पास अपनी बाइक पर मैप लगाकर। नेविगेशन से हम यहाँ पर जा रहे हैं कस्टमर के पास, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो लगभग हम पहुँच ही चुके हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो थोड़ा ही दूर यहाँ पर बचा है, 1 मिनट का रास्ता है, और ये हमने कवर कर लिया है। उसके बाद डन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने वो ऑर्डर देना है इस घर में, और हम यहाँ बाहर यहाँ पर खड़े हैं, और एप्लीकेशन की हेल्प से आपको फ़ोन वगैरह करना है, कस्टमर को बेल आपको बजानी है घर की, तो कस्टमर बाहर आ जाएगा। उसके बाद देखिए कस्टमर को आपको ऑर्डर देना है, उसके बाद रीच डोर लोकेशन आपको स्लाइड करना है। अगर ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी है तो यहाँ पर आपके सामने शो होगा, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, और अगर ऑनलाइन पेड होता तो एकदम से ये डिलीवर हो जाता। अब देखिए यहाँ पर बार कोड भी आ चुके हैं, ये नया इन्फॉर्मेशन अपडेट है जोमैटो का, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कस्टमर से कि सर आप बार कोड पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो तो मेरे लिए दी बेस्ट है, तो यानी आपके पास कैश कम इकट्ठा होगा। तो यहाँ पर कर दिया है कस्टमर ने, मेरी रिक्वेस्ट की थी, और ये अब यहाँ पर रिसीव पेमेंट हो चुकी है, उसके बाद ही ऑर्डर डिलीवर होगा जैसे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको स्लाइड करना है, उसके बाद आपको कस्टमर को आपको रेटिंग करनी है कि कस्टमर का बिहेवियर आपको कैसा लगा, 2 से 4 ऑप्शन आपको फिलअप करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। देन ये सबमिट हो चुका है, उसके बाद फाइनली आपको बताएगा कि आपकी इस ऑर्डर की अर्निंग कितनी हुई है, कितने किलोमीटर डिलीवर किया है, कितना मिनट आपको लगा है, कितना पैसा आपको इस ऑर्डर का मिला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिखाया है मैंने, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको पिक करना है, कैसे आपको उठाना है। तो दोस्तों अब आपने वीडियो में देखा कि आपके पास ऑर्डर कैसे आया, और कैसे आपको जोमैटो में अपनी लोकेशन में जाना है, कैसे आपको स्टैंड अप होना है, ऑर्डर आपके पास कैसे आया, और कैसे आपने कस्टमर के पास आपने अपना ऑर्डर डिलीवर किया। तो ये प्रोसेस आपको पूरे दिन करना होता है। इसके अलावा आप डे बाय डे अगर आप ड्यूटी पे आते हो तो आपको पूरा दिन इसी तरह ही काम करना होता है। अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देता हूं जो आपके मन के अंदर क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन कि अगर आपके पास कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर आ गया, यानी कि आपके पास ऑर्डर आया और आप जब कस्टमर को डिलीवर करते हो तो वहां पर लिखा आता है कि आपको कस्टमर से कितना कैश इस ऑर्डर का लेना है, अगर वो ऑर्डर ऑनलाइन पेड नहीं है। तो जो आपके पास कैश आया वो कैश आपको होटल वाले को या फिर रेस्टोरेंट को जहां से आपने ऑर्डर उठाया उसको देने हैं, या फिर अपने पॉकेट में रखने हैं अपने पास। तो दोस्तों वो पैसा आपको किसी को नहीं देना है, जो भी कस्टमर से आपको पैसा मिलेगा अगर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर है, आपको जब ऑर्डर डिलीवर करते हो तो वहां पर आपको शो हो जाता है, और जब आप उसे कैश लेते हो वहां पर एक बॉक्स होता है, अगर आप उसको फिलअप नहीं करोगे तो आपका ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा। तो जैसे आप कस्टमर से कैश लोगे तो वो कैश आप अपने पास रखना, उसे आप यूज भी कर सकते हो वो कैश। अब आपको क्वेश्चन होगा कि वो सर कैश हमने यूज भी कर लिया, अब वो हमको कैसे देना होगा या फिर कहां पर शो होगा? वो कैश आपकी जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन के अंदर शो होगा कि आपने उस कस्टमर से कितना पैसा लिया है। अब देखिए वो कैश आपके पास है और ना आपको रेस्टोरेंट को देना है या फिर होटल को देना है, तो वो कैश जोमैटो कैसे आप दोगे? वो कैश आपकी जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन में शो होगा, वो कैश आप ATM से या फिर UPI, जो भी गूगल पे या फिर फोन पे चलाते हो, या फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो
तो उसे आपको ऑनलाइन जोमैटो को पे करना है अपनी जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन से। और अगर आप वो पे नहीं करोगे फिर वीक में आपकी जितनी सैलरी बनती है यानी ऑर्डर के हिसाब से जितना आपका पे आउट बनता है, मान लीजिए अगर आपने वन वीक के अंदर अगर आपने 5,000 रुपये काम किया और आपके पास कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर यानी कैश आपके पास 1,000 रुपये आया है, तो आपके 1,000 रुपये कटकर आपके जितने भी पैसा बचा है 4,000 रुपये वो आप विड्रॉल कर सकते हो जोमैटो डिलीवरी एप्लीकेशन से। ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया जो कि राइडर काफ़ी बार बार पूछते थे। अगर ऑर्डर पेड है ऑनलाइन तो यहाँ पर वो ऑर्डर बड़े आराम से डिलीवर हो जाएगा, उसमें कोई भी झंझट नहीं होता। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है, जब आप ऑर्डर डिलीवर कर देते हो तो आपको देखना है कि आपको अपनी लोकेशन में आना है। अगर आप सर्कल से बाहर हो, लोकेशन से बाहर हो, तो आपको अपनी लोकेशन में आना है, यानी कि आपको किसी भी फूड शॉप के पास आपको स्टैंड अप हो जाना है जो कि जोमैटो से टाई अप है। और आपको आपके लोकेशन में जोमैटो राइडर भी मिल जाएंगे जो कि आपकी तरह काम करते हैं। जब आप अपनी लोकेशन में जाओगे तो ऑटोमेटिक से आपको वहां पर मिल जाएंगे, उनसे आप बातचीत भी कर सकते हो यानी वो आपके फ्रेंड बन जाएंगे। और अब तीसरा क्वेश्चन यहां पर जो कि राइडर बार बार पूछते हैं कि सर अर्निंग कितना हो जाती है फुल डे में। देखिए डिपेंड करता है कि आपके पास ऑर्डर कितना आ रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आएगा तो आपकी ज़्यादा अर्निंग होगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी फिक्स सैलरी नहीं होती। जितना आपके पास ऑर्डर आएगा यानी आपको कमीशन बेस दिया जाता है, जितने आपके पास ज़्यादा ऑर्डर आएंगे आपकी ज़्यादा अर्निंग होगी, आपको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। तो ये फंडा है। अगर मैं बात करूँ सैलरी की तो आप महीने में कितना कमा सकते हो, तो इसमें लगभग आप अगर फुल टाइम काम कर रहे हो तो आप इसमें 20,000 रुपये से लेकर आप मैक्सिमम कितना भी कमा सकते हो। अगर कंपनी अच्छा ऑर्डर का पैसा देगी, इंसेंटिव अच्छा देगी, तो जब कंपनी लॉन्च होती उस टाइम काफ़ी राइडर ने 50, 60, 70, 80 लाख रुपये भी यहाँ पर कमाए पर डे। 3,000-2,000 रुपये भी यहाँ पर कमाए हैं राइडर ने जब कंपनी लॉन्च हुई थी। लेकिन अब थोड़ा सा कम हो चुका है, ऑर्डर का पैसा कम मिल रहा है, इंसेंटिव भी कम मिल रहा है और ऑर्डर भी ज़्यादा नहीं है, मतलब कि मीडियम ऑर्डर है, ज़्यादा ऑर्डर नहीं है। अगर ज़्यादा ऑर्डर होते हैं राइडर काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अब है चौथा क्वेश्चन जो कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके मन में क्या क्वेश्चन है, तो मुझे आप कमेंट करके बताना ताकि मैं आगे जैसे ही वीडियो लेकर आऊँगा तो आपके जितने भी आप क्वेश्चन कमेंट करोगे मेरी वीडियो के नीचे तो उनको पढ़कर मैं नोट कर लूँगा और आने वाली वीडियो में उनका मैं यहाँ पर आपको आंसर दूंगा ताकि सभी राइडर के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो दोस्तों बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में। वैसे दोस्तों मैंने इसमें मेन मेन टॉपिक पर बात की है, आपको मेन इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि जो बात जरूरी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए शूट की गई थी ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और की वीडियो ना देखनी पड़े। इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल को प्रेस कर लेना ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।